أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمتقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الصادقين عليهما السلام في دعاء معروف بدعاء العلقمة، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماته وتوفني على ملته واحشرني في صحبته ولا تفرق بيني وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلاة الله مجھے محمد والے محمد علیہ السلام کی زندگی عنایت فرما اور زندگی نہیں موت بھی انہی کی جیسی عنایت فرما. اے مالک، ہم کو جب اس دنیا سے اٹھا تو ہمیں ان کی ملت پر، ان کے طریقے پر اٹھا، اور جب میدان قیامت میں ساری مخلوق کو اٹھائے گا اور محشور کرے گا، اس وقت ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے گروہ میں شامل کر کے محشور فرما. اے ہمارے پروردگار، پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر کے لیے بھی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، کسی جگہ بھی اتنی دیر کے لیے بھی میرے اور محمد والے محمد علیہ السلام کے درمیان فاصلہ پیدا نہ ہو. یہ خطرے ہیں، یہ حملے ہیں، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے پانچویں اور چھٹے امام دونوں کی زبان سے وارد ہوئے ہیں زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ میں. یہ جملے اور یہ دعائیہ فقرے ملتے ہیں جنہیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس عشر محرم کی مجالس کے عنوان کلام کے طور پر منتخب کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں روزانہ ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. کیونکہ موضوع گفتگو رکھا گیا ہے زندگی تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں. یہ موضوع گفتگو انہی دعائیہ فقروں کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے اور زندگی میں اتارنے کے لیے رکھا گیا. عزیزو، ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں،
लेकिन जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से और हिदायत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से खाली। हम अपनी सोच के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी फिक्र के मुताबिक बहरहाल कोशिश करते हैं कि जिंदगी उससे करीब हो। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात हमें याद रखना होगी, ये बात तो बिल्कुल तय है कि हमें कोई अहले बैत से दूरी नहीं चाहिए। हम सब की तमन्ना यही है उनसे मोहब्बत नसीब हो, हमारी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में कोई फासला पैदा ना हो। और अभी जो मैंने दुआ के फकरे पढ़े हैं उसमें आखिरी जुमला यही है ही है कि पलक झपकने में जितना वक्त लगता है, एक पलक झपकने में कितना वक्त लगता है आप उससे बेहतर जानते हैं, सेकंड का कौन सा हिस्सा है। लेकिन अगर इतनी देर का फासला भी जिंदगी में पैदा हो जाए उनसे तबाही के लिए काफी है। उनसे कुर्बत, उनसे नजदीकी, उनसे कुर्बत हम सब की तमन्ना है, उनसे हम दूर होना नहीं चाहते। अब मसला ये है कि हमको ये पता कैसे चले, ये अंदाजा कैसे हो कि हम जो रोज जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस जिंदगी बसर करने में जिंदगी का एक दिन जो गुजरता है, एक सुबह शाम से बदलती है, तो इस एक दिन के सफर में हम अहले बैत से नजदीक हुए हैं या अहले बैत से दूर हुए, इसका हम अंदाजा कैसे लगाएं ताकि ये देख सकें कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं या कामयाबी और नजात की तरफ जा रहे हैं। कोई मेयार इसका है, कोई इसका पैमाना है, कोई ऐसी पहचान है जिससे पता चल सके कि गुरबतें बढ़ रही है अहले बैत से या दूरियां बढ़ रही है। तो मेरे अजीजों, मैं कहना चाहूंगा कि कुरान मजीद ने उसका पैमाना हमको अता किया है। मजलिसों में जिस आयत करीमा को हम सुनते रहते हैं, हर शब जुमा हदीस से किसा के दरमियान जिस आयत की तिलावत हमारी जबानों से होती रहती है, आयत अथीर को पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत करीमा का खुलासा क्या है? इज़ाए करीमा का खुलासा यह है कि मखलूक खुदा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम वो है, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वो है जिनके लिए दो ऐलान परवरदिगार एक साथ कर रहा है, ले युज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा, तुमसे हर ऐब को, हर नजासत को, हर बुराई को, हर नक्स को, हर कमी को, हर खराबी को, हर बिगाड़ को, हर गुनाह को दूर रखे, और तुमसे हर खूबी को, हर कमाल को, हर अच्छाई को, हर फजीलत को, हर हुनर को, हर बुलंदी को, हर अजमत को तुमसे नजदीक रखे। खुलासा आयत अथीर कही है, आयत अथीर कह रही है कि अहले बैत से कोई खूबी दूर नहीं हो सकती, कोई कमाल दूर नहीं हो सकता, कोई अच्छाई दूर नहीं हो सकती, और अहले बैत के नजदीक कोई बुराई नहीं आ सकती, कोई गुनाह नहीं आ सकता, कोई खराबी नहीं आ सकती, कोई लफ्ज़िश नहीं आ सकती। अगर ये अल्लाह का वादा है और अहले बैत के लिए अल्लाह की जमानत है, तो अहले बैत के किरदार की अजमतें हमारे सामने आ गई। अब मेरे अजीजों, अगर हम ये तय करना चाहते हैं कि हम रोजाना जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, सुबह से शाम होती है, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ लोगों से मिलते जुलते हैं, न जाने जिंदगी की कितनी मशगूलियात है, सुबह से शाम और शाम से सुबह की जिंदगी जो चल रही है, इसमें हम अहले बैत से नजदीक हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, इसका पता कैसे चलाया जाए,
इसका पता कैसे चले, तो इसका मेयार मेरे अजीजों में खुसूसियत से अपने जवानों की खिदमत दर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, उन्हें तवील जिंदगी अता फरमाए। हम ये तय करें कि अगर हमें अहले बैत से कुर्बत के मसले तय करके जिंदगी बसर करना है तो उसका पता भी चला के रखना होगा कि हम उनसे करीब हो रहे हैं या उनसे दूर हो रहे हैं। मेयार यही आयत थी, मेयार यही आयत तकीर है। यह आयत तकीर हमसे बताएगी तुम नजदीक हो रहे हो या दूर हो रहे हो, कैसे पता चलेगा। बस अब आप तवज्जो दें तो एक जुमले के जरिए अपनी देर की बात को समेट के आपकी खिदमत में कह दूं। मेरे अजीजो, हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, अहले बैत की जिंदगी को पहचाने। मैं बार बार तुम लोगों को दोहरा रहा हूँ, उनकी जिंदगी वो है जिनसे हर कमाल नजदीक है, हर खूबी नजदीक है, हर अच्छाई नजदीक है, हर भलाई उनके अंदर मौजूद है, जिनसे हर ऐब दूर है, हर गुनाह दूर है, हर बुराई दूर है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हम उनसे करीब हो रहे हैं या उनसे दूर हो रहे हैं तो हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें। अगर अगर खुदा न खास्ता हमारी जिंदगियों में बुराइयां बढ़ रही हैं, खराबियां बढ़ रही हैं, ऐब बढ़ रहे हैं, नफ्स बढ़ रहे हैं, गुनाह बढ़ रहे हैं, तो गुनाह उनसे नजदीक नहीं हो सकता, लिहाजा उनके नजदीक नहीं हो सकते। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में खूबियां बढ़ रही है, अच्छाइयां बढ़ रही है, नेकियां बढ़ रही है, कमालात बढ़ रहे हैं, तो कोई कमाल उनसे दूर नहीं, कोई अच्छाई उनसे दूर नहीं। जितने कमालात बढ़ते जाएंगे, जितनी नेकियां बढ़ती जाएंगी, जितनी अच्छाइयां बढ़ती जाएंगी, साबित करती जाएंगी अहले बैत से कुर्बत बढ़ती जाएगी। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बढ़ाने का वक्त आ गया है अपनी जिंदगी में, खूबी किसी पर बढ़ा दी जाए। अल्लाह की राह में खर्च करना यह भी इंसानी जिंदगी की खूबी है और कंजूसी एक बुराई है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के तस्करे के अहतमाम के लिए आपकी खिदमत में रोजाना मुतालबा किया जाता है और ये किसी और के काम नहीं आना है, ये हमारे अपने काम आना है। बिस्मिल्लाह कीजिए और इस वर्ष अज़ा के बचाने के अहतमाम के लिए और पैगाम अहले बैत पहुंचाने के लिए जितना मुमकिन हो उतना भरपूर तआवुन फरमाएं। एक सलावत मुसलसल भेजते रहें। मैंने आप हजरात की खिदमत में पहले दिन से गुजारिश की है कि दिनों में मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तुफैल, उनके तस्करों के तुफैल, इस वक्त शहादा के तुफैल दिलों में नरमी पैदा होती है और इस नरमी के पैदा होने के नतीजे में अच्छी बात के कबूल करने का असर बढ़ जाता है और सलाहियत और इस्तेदाद बढ़ जाती है
यार एक बेहतरीन मौका है कि ऐसे तस्करे हो जो हमें उनसे हमारी जिंदगी को उनकी जिंदगी से हम आहम करने का जरिया बन जाए। कभी कभी हम मुतवज्जे नहीं होते हैं। कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद साफ मोमिनीन की सिफतों में से एक सिफत का ऐलान करता है। लेकिन अच्छी बात हमेशा हर एक को अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुरान मजीद मोमिनीन की सिफत बयान करता वज़क्के पर इन्नस जिक्रा तन्फाउल मोमिनीन। पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों को याद दिलाएं, इन लोगों को अच्छी बात बताएं, इन लोगों को अच्छी बात की तरफ रहनुमाई फरमाएं। उसके बाद कुरान एक उसूल बयान करता है कि नसीहत और अच्छी बात जिधर तवज्जो नहीं है, अच्छी बात जिधर ध्यान नहीं है, अच्छी बात जब तक नॉलेज में नहीं आई, अच्छी बात जो पूरी तरह पहुंची नहीं है, कहीं और असर करे या ना करे। लेकिन कुरान करीम कहता है फइन्नस ज़िक्रा तन्फउल मोमिनीन, अच्छी बात मोमिनीन को बहरहाल फायदा पहुंचाती है, कोई असर ले या ना ले मोमिन उसका असर जरूर लेता है। अजीजो, मैंने आज आपकी खिदमत में हिदायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जिस मौजू को मुंतखब किया है दोहराने के लिए, याद दिलाने के लिए, पेश करने के लिए, उसका जिंदगी के हमारे अहम शोबे से ताल्लुक है, हमारी जरूरियात जिंदगी जो है इनमें एक अहम तरीन चीज है जिसका नाम है हुसूल रिस्क, रोजी का मसला। हमारी जिंदगी के अहम तरीन मसाइल में रोजी का मसला है। और शायद अगर हमसे कहा जाए कि इस दुनिया में जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं और जो जरूरतें हैं उनकी फहरिस्त तैयार करो और उसमें जो तुम्हारी निगाह में सिर्फ फहरिस्त हो उसे लिखो, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल इब्तदाई जरूरतों में जो चीज हम अपनी जरूरियात जिंदगी में लिखेंगे उसमें से एक चीज होगी रोजी और हुसूल रिस्क। इस सिलसिले में हिदायत मोहम्मद आले मोहम्मद और पैगाम दीन और नजरिया दीन क्या है ये आपके इल्म में है। मैं सिर्फ उसमें से पांच बातें जिनकी तरफ हम सब की तवज्जो हमेशा रहना चाहिए वो हासिल करना चाहता हूँ। उनमें से पहली बात जो कोई नई बात कोई होगी भी नहीं जब कोई दीन की बात होगी, पहली बात यह करना चाहता हूँ कि हम जिंदगी के बहुत से काम ये समझ के करते हैं कि हम ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन मिजाज दीन से कम वाकफियत की वजह से या बेतवज्जुही की वजह से या नावाकफियत की वजह से बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हकीकतन इलाही इबादतों में बेहतरीन इबादत होती है, लेकिन हम बेखबरी के बायस या बेतवज्जुही के बायस काम वही करते हैं मगर इबादत नहीं बना पाते। उनमें से खुद एक मौजूद गुफ्तगू में पिछले साल आया था, मैंने सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू भी की थी कि मजहब ने इतनी गुंजाइश रखी है कि मैं मेरा बच्चा है मैं इसे प्यार करूं ये मेरी फितरत का तकाजा है, लेकिन अगर मैं खुद इसे प्यार कर लेता हूं यूं ही तो मुझे कोई अज्र नहीं मिलता, लेकिन अगर मेरे दिमाग में सिर्फ इतना सा तसव्वुर है कि अल्लाह की मखलूक है जो मेरी गोद में है, मालिक ने मुझे अच्छी तरह पाल ले और इसे प्यार से और मोहब्बत से पालने को हुक्म दिया है, तो अगर याद खुदा रखते हुए मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूँ तो ये प्यार मैं अपने बच्चे को कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यही अमल इबादत परवरदिगार बन जाता है। यानी ज़हन में अगर याद इलाही मौजूद है और दीन का नजरिया मौजूद है तो काम हमारे होते हैं और इबादत अल्लाह की बन जाती है। उन्हीं में रोजी के हुसूल का मसला है। हमारी जिंदगी का कितना बड़ा वक्त है जो इसी में गुजर जाता है, अगर हम खुदा ना खास्ता सही नजरिए न रखने के बायस बेखबरी में यही जिंदगी का वक्त गुजारे तो खाली वक्त
कहलाएगा इबादत से, लेकिन अगर जरा से तवज्जो हो जाए और हमारे मालूमात में दाखिल हो तो ये जिंदगी के काम होते रहेंगे, उसूल की कोशिशें भी होती रहेंगी और ये वक्त हमारा इबादत के इलाही में लिखा जाता रहेगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों की खिदमत में पहली बार अहले बैत अलैहिस्सलाम के खजाने से ये रखना चाहता हूँ, बुजुर्ग वाकिफ है और मेरे नौजवान भी ज्यादातर वाकिफ है, लेकिन मैं उन्हें याद दिला रहा हूँ सिर्फ कि रोजी का वसूल, अलबत्ता अभी अगली मंजिल आएगी जिसमें शर्त के साथ की बात दर्ज करूंगा, लेकिन रोजी का हुसूल अल्लाह के बताए हुए हलाल और जायज तरीकों से रोजी का हुसूल सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि बेहतरीन इबादतों में से एक बात, बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है। कितनी अजीम इबादत है, कितनी अजीम इबादत है आप अंदाजा लगाइए, फेहरिस्तों में बेहतरीन इबादतों की जो तरतीब आई मासूमीन के इरशादात में, उसमें फेहरिस्त ये भी गिनाई गई है कि हर अमल के अज्र के बाद अज्र है, जजा के बाद जजा है, जजा के बाद जजा है, यानी इसकी जजा उससे ज्यादा, उसकी जजा उससे ज्यादा, उसकी जजा उससे ज्यादा। लेकिन रिवायात कहती है कि जब अल्लाह की राह में जिहाद की मंजिल पर आदमी आता है तो अपनी जगह के आखिरी मरहले में पहुंच जाता है। अब आप सुनिए पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-मुजाहिदे फी सबीलिल्लाह, जो अपने अहलो अयाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजी हासिल करने की जद्दोजहद करे, उस इंसान का ये अमल ऐसा है जैसे वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला। उसूल रिज़्क इतना मुकद्दस फरीदा है इंसानी कामों पर, और वुसअत रिज़्क ज्यादा रोजी का हुसूल भी, जो हमारी सबकी किसी हद तक फितरत में है, ये भी दुनियादारी नहीं है। मैं बार बार इन टुकड़ों को इसलिए रख रहा हूं कि हम थोड़ी से बेतवज्जोही से महरूम होते हैं, वो महरूमी हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। आदमी रोजी हासिल करता है एक कोशिश होती है, फिर ज्यादा रोजी हासिल करने की कोशिश करता है, ज्यादा रोजी तक पहुंचने की कोशिश करता है। यहाँ पर इंसान की दो किस्में हो जाती है आमतौर पर, जो रोजी हासिल करने की लाह पे लगे, ज्यादा कमाने की लाह पे लगे। आमतौर पर तसव्वुर ये होता है कि दुनियादारी में पड़ गया, बता होता भी है ऐसा, कहां होता है कहां नहीं होता, वो इस इरशाद के जरिए मासूम की तालीमात के जरिए महसूस किया जा सकता है। छठे इमाम हजरत जाफर सादिक आप अपनी मर्जी से सलावात भेज रहे हैं, मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पुरजोश सलावात भेज रहे इमाम की खिदमत में शख्स आया, उसने कहा मौला बास गलतफहमियां जो हमारे माशरे में हैं उनको दूर होना चाहिए। कहा मौला मैं चाहता हूं कि मेरे पास कसरत से माल हो, ज्यादा माल हो। उसने जो उस दौर की चीजें हैं उनकी नाम भी गिनाए, ऊंट हो, भेड़ बकरियां हो, जमीने हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, ये सारी चीजें मैं चाहता हूं मेरे पास खूब हो, बहुत सी। मौला ये बताइए कि मैं जो ये चाहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दुनियादारी के चक्कर में पड़ गया हूं। हम आप होते हैं तो फौरन फतवा साबित करते हैं, सब दुनिया की चीजें चाहते हो कि मुकद्दस भी बनना चाहते, अरे दुनियादारी चक्कर में नहीं पड़े तो और काय में पड़ गए। लेकिन देखिए नियतों से कितना इंसानी अमाल में फर्क पड़ता है। इमाम ने उससे न तो ये कहा कि नहीं तुम दुनियादारी में नहीं पड़े हो और न आगे पड़ गए हो, इमाम ने पूछा कि तुम ये जो कुछ चाहते हो वो क्यों चाहते हो, वो क्यों चाहते हो। मैं अपने जवानों से जो हम सब देखिए यहां आए हैं सभी पर, तो क्यों आए, यहां दीन सीखने नहीं आए, या हम तहजीब हासिल करने नहीं आए, यहां रोजी के हुसूल के लिए आए। ज्यादातर
रोजी के हुसूल के लिए आए हैं, और अगर इल्म के हुसूल के लिए भी आए हैं तो वो इल्म के हुसूल का मकसद भी रोजी तक पहुंचना है। लिहाजा आप और हम जितने लोग जिंदगी में कहीं हैं, रोजी के हुसूल के लिए अगर कोशिश करो, बिलखसूस इन मुल्कों में जहां हमने हिजरत करके इन्हें वतन बनाया है, यहां बिलउमूम रोजी के हुसूल के लिए आए हैं, आप रोजी हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा रोजी हासिल करें। मगर यही हुसूल रिस्क और यही मुस्अत रिस्क, यही अल्लाह की मर्जी की मुताबिक ढल के इबादत बन जाए, इसके लिए सिर्फ जहनों में एक सोच पैदा करने की जरूरत है। तस्करे इसलिए किए जाते हैं कि कहीं तवज्जो ना हो, या कहीं बेखबरी हो तो उस तवज्जो को, उस बेखबरी को खत्म करके तवज्जो हासिल कर ली जाए, ताकि हमारी मेहनत हम रायगा ना जाए और नफा नुकसान से ना बदल जाए। दुनिया की जिंदगी में आके आदमी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर ले। इमाम ने उससे पूछा, तुम ये जो कसरत रिस्क चाहते हो, ये जो वसत रिस्क चाहते हो, ये ज्यादा से ज्यादा रोजी चाहते हो, ये किस लिए चाहते हो, किस लिए चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है इससे? तो पूछने वाले ने जवाब में कहा, मौला मैं ये सब इसलिए चाहता हूं, तवज्जो दीजिए, मैं ये सब इसलिए चाहता हूं ताकि मैं अपने घर वालों, अपने अहल-ओ-आयाल की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सहूलतें पैदा कर सकूं, रहने के लिए अच्छा घर दे सकूं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे सकूं, अच्छा खाना खिला सकूं, अच्छी तालीम पहुंचा सकूं, मैं अपने अहल-ओ-आयाल के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दे सकूं। आप कहेंगे इस मेयार पर हम भी पूरे उतरेंगे, लेकिन आगे बढ़िए, कहा और मैं ज्यादा ये चीजें इसलिए चाहता हूं ताकि मेरे पास वसत रिस्क हो, तो मैं अपने अहल-ओ-आयाल की जरूरतों को पूरा करके और उनकी जिंदगी में सहूलतें पैदा करने के साथ साथ अपने अरहाम, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर सकूं इस माल के। कहा और इतना ही नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा माल इसलिए हो, ये चीजें इसलिए हो, ताकि मैं हमारे दरमियान जो तंगदस्त और गरीब लोग हैं उनकी तंगदस्ती को अपने इस माल के जरिए कम कर सकूं। और सिर्फ यही नहीं, मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए जा सकूं, मैं इसलिए ये माल चाहता हूं कि मैं उमरा और ज़ियारत के लिए जा सकूं। ये भी कोई नासमझ इंसान नहीं था, देखिए उसने जो नियत की है कि मेरे पास माल होगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी जिंदगी में सहूलत, बच्चों की जिंदगी में आराम, सिले रहम, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा सलूक, उसके बाद जो आम करीब मिलेगा उसके साथ मदद। पहली बात तो ये देखिए, अगर आप कि इसमें एक ज़हानत भी है, ईमानी फरासत भी है। अल्लाह ने हमारे ऊपर दो हुकूक रखे हैं, कुछ बंदों के और मखलूक के हुकूक रखे हैं और कुछ अपने हुकूक रखे हैं, खालिक और राजिक और रब के हुकूक हैं। उसने जो फेरिस गिनाई, पहला हिस्सा का है ताल्लुक रखता है, औलाद, घर वाले, रिश्तेदार, आम करीब, ये ताल्लुक रखता है बंदगान खुदा से, और उसके बाद का मैं हज के लिए जा सकूं। अब जैसे ही का हज के लिए जा सकूं, वहीं से हुकूक इलाही की अदायगी की बात शुरू हो गई, तो वो फहरिस्त गिना रहा है। खुलासे कलाम ये हुआ कि मुझे तो वसत मिलेगी रोजी में, तो मैं इससे अल्लाह के हुकूक को भी अदा करूंगा, बंदों के हुकूक को भी अदा करूंगा। मेरे अजीजों, वसत रिस्क की कोशिशें करो, लेकिन ये नियत रखो कि मुझे जितना वसत माल होता रहेगा, हुकूक इलाही की अदायगी में कमी नहीं आएगी, दौलतमंदी बढ़ेगी, तो नमाजें घटेगी नहीं। अगर कम रोजी में वाजिब पड़ रहा था तो ज्यादा रोजी मिलेगी, तो नमाजें सब की अदायगी में जाने लगूंगा। अगर कम रोजी में घर वालों के रुपये खर्च कर रहा था, ज्यादा रोजी मिलेगी तो चारों तरफ ढूंढूंगा कहीं कोई गरीब होगा, चुपके से उस तक पहुंचा दूंगा कि दूसरे को पता न चले। अगर ये रात तुमने अख्तियार कर ली तो इमाम से तुम्हें सुनो, तुम्हें सनत क्या मिलने वाली है। इमाम ने कहा, इस सबके लिए दौलत चाहता है। कहा, हाँ वाला, मैं इसलिए चाहता हूँ। कहा, फिर तेरे दिमाग में फिक्र दुनिया नहीं पैदा हुई है, ये तो तू फिक्र आखिरत लेके मेरे पास आया है, ये दौलत तुझे दुनिया नहीं आखिरत तेरे कामयाब बनाने वाली। मैंने ये तस्करे इसलिए
इसलिए आपके सामने छेड़े हैं कि हम कर तो रहे हैं जो हमें करना है, लेकिन अगर मजहब के नजरियात को सामने रख के, मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात को सामने रख के इस राह पे चलेंगे तो जिंदगी हमारी बनती जाएगी और साथ ही साथ इताअत इलाही भी होती चली जाएगी। दूसरी गुजारिश, वक्त गुजर गया है, बस उसके लिए मैं छोड़ के बाद बातें आपकी खिदमत में कर रहा हूं। दूसरी गुजारिश जो करना चाहता हूं रोजी के हुसूल के सिलसिले में, उसमें एक परेशानी जिससे इस वक्त पूरी दुनिया में हम दो चार, अल्लाह ने रोजी के कुछ जरियों को हलाल करार दिया और कुछ बिजनेस, कुछ कारोबार, कुछ तिजारतें हराम है। क्यों हराम है वो खुद एक मुस्तकिल मौजू है। मैं मुख्तसरन इस पढ़े लिखे वजह से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दीन के अहकाम उस परवरदिगार की तरफ से आए हैं जो आलिम है, जानने वाला, जो आदिल है, इंसाफ करने वाला। लेकिन सिर्फ आदिल और आलिम नहीं है, वो रहमान और रहीम भी है। अगर वो हमसे कुछ करने के लिए कहता है तो तब जब उसमें हमारा फायदा और हमको किसी चीज से रोकता है तो तब जब उसमें हमारा कोई नुकसान है या हमारी जात का या हमारी सोसाइटी का या हमारे जिस्म का नुकसान है या हमारी रूह का या हमारी दुनिया का नुकसान है या हमारी आखिरत का नुकसान है। तो कारोबार के वो हिस्से जो उसने हराम किए हैं उनका अलग अलग फलसफा है। रिबा का कारोबार क्यों हराम है, शराब से मामला जुड़े हुए बिजनेस क्यों हराम है, चूहे से जुड़े हुए बिजनेस क्यों हराम है, ये मुस्तकिल मौजूद गुफ्तगू है जिसको पेश करना इस वक्त उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वरना हिकमतें हैं परवरदिगार आलम के तमाम अहकाम में। लेकिन मेरे अजीजो, रोजी के हलाल और हराम समझे सरिये इस दुनिया में मौजूद है, मगर मजहब का एक वादा पैगंबर खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी इस वक्त हम इस जिंदगी में इससे बहुत दो चार, ज्यादा मैं अपनी उस नस्ल के लिए जिसे मुस्तकबिल में फ्यूचर में लंबी जिंदगी करना है, जिसने भी जिंदगी का आगाज किया है वो अभी से अगर तवज्जो कर लेंगे तो उनके लिए फैसला करना इतना मुश्किल ना होगा। उसकी बनिस्बत जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर गया, अब उसे पता चला कि उस कारोबार को जिस पर शरीयत पाबंदी लगा दी। पैगंबर खुदा ने फरमाया कि अल्लाह ने रिस्क को मुअय्यद किया। मैंने आज तक बहुत सी बातें छोड़ने की है, वरना ये भी बहस है कि जब रिस्क मुअय्यद है तो फिर रिस्क हासिल करने की कोशिशें क्यों है। तफसील में जाए बगैर आपकी जहानत के हवाले एक जुमले में करना चाहता हूं, रिस्क मुअय्यद है, रिस्क अल्लाह की तरफ से फराहम है, वो रिस्क के वसायल फराहम करता है, रिस्क की राहें इजाद करता है। ये वसायल और रिस्क की राहें, इनमें से कुछ हमारे अंदर है, कुछ बाहर है। हमारी कोशिश इन वसायल को एक दूसरे से जोड़ने से ताल्लुक रखती और इन राहों तक अपने आप को पहुंचाने से ताल्लुक रखती। तो हलाल भी है और हराम भी, दोनों जरिए अल्लाह की तरफ से मुअय्यन किए हुए जरिए हलाल है और जिनसे रोका वो हराम है। पैगंबर खुदा का जुमला है और रिवायत के अल्फाज ये हैं कि खाने काबा के पास खाने काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़ के पैगंबर ने जुमला कहा है कि अल्लाह रोजी तकसीम कर चुका है, रोजी वही मिलेगी तुम्हें मिलना, लेकिन अल्लाह के बताए हुए रास्ते से जाओगे तो वो रोजी हलाल बन के मिलेगी और अल्लाह के रोके हुए रास्ते से जाओगे तो रोजी वही आएगी मगर हराम बन के आए। जाहिर है कि इबादत की आसानी से हलक से नहीं उतरती इंसान, ज्यादा इसकी जरा वजाहत की जरूरत है और बात को सीरत मासूमीन के इरशादात के साथ साथ सीरत के हवालों से समझाना और आसान हो जाता है। मेरे अजीजों, अब जो दूसरी बात आपसे कह रहा हूं बिल्कुल अपने जवानों से कि ये बिल्कुल तय है कि उधर से फैसला है, रोजी जो मिलना है वो मिले, हमारी कोशिशों से मिलेगी, बैठने से नहीं मिलेगी, लेकिन हलाल रास्ते से जाएंगे तब भी वही मिलेगी, अल्लाह के मुअय्यन करने हुए रास्तों से जाएंगे तब भी वही मिलेगी,
अल्लाह की तरफ से जब रास्ता पाबंदी लगाई गई है उनको छोड़ के जाएंगे तब भी वही मिलेगी, लेकिन अल्लाह के बताए रास्तों से जाएंगे तो हलाल बनकर मिलेगी वरना हराम बनकर मिलेगी। अब सुनिए सीरत का नमूना, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सहाबा जमाने में ज़ाहिरी खिलाफत ईमान के हाथों में है, कूफे नाम का बयान है, मस्जिद कूफा जो लोग ज़ियारत किए गए हैं पहले उन्होंने भी देखी है और जो आप गए हैं, पहले मस्जिद कूफा है, खुला हुआ बहुत बड़ा मैदान था जिसके चारों तरफ चार दीवारी सारा कवर कर दिया गया है। उस दौर में मौला के दौर में सिर्फ मस्जिद जमीन के इलाके का नाम है मस्जिद कूफा, चार दीवारी उसकी। मौला आए एक घोड़े पर सवार थे, कहीं से तशरीफ लाए, घोड़ा मस्जिद के बाहर छोड़ा। अब जानवर है अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो कहीं चला जाए। वहां पर एक शख्स खड़ा था, उससे कहा कि मैं मस्जिद में जा रहा हूं नमाज पढ़ने, और वाकयात के सहारे बात कहना आसान होती, वाकया बारहा आपका सुना हो जाता है लेकिन नतायज नहीं बन सकते, ये मेरे घोड़े की निगरानी तो करो मैं नमाज पढ़ के वापस आता हूँ। लजाम फर्ज उस इंसान के हाथों में थी, गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ी थोड़ी देर, वापस आए तो देखा कि घोड़ा तो अपनी जगह मौजूद है लेकिन जिनके हवाले करके गए थे वो गायब है, और खुद ही गायब नहीं है बल्कि घोड़े की लगाम लेके गायब है। इनकी जिम्मेदारी थी घोड़े की इबादत, घोड़े को तो नहीं ले जा सके, वो तो वफादार निकला लेकिन ये बेवफा निकले, लगाम के फर्ज चुराई लगाम लेके गायब हो गए। अब जाहिर है कि जाहिरी तौर पर किसी सवारी पर बैठना है तो उसको लगाम होना चाहिए, मौला ने किसी गुलाम खातिम चाहने वाले किसी से कहा, उसको पैसे दिए 2 दिरहम दिए और कहा जाओ बाजार से जाके लगाम ले आओ। इस घोड़े के लिए वो गया बाजार पहुंचा, वहां अच्छा लगाम बेच रहा था, उससे पूछा कितने की है, कीमत तय की, 2 दिरहम उसको दिए और वो 2 दिरहम के लगाम खरीद के आ गया। देखिए आपके लबों का तबस्सुम बता रहा है बाकी की तरफ आप मतवज्जे, नतीजा क्या पहुंचाना है, 2 दिरहम की लगाम जब लेके आया अल्लाह के मौला के हाथों में थी तो मौला ने जब वो लगाम में फर्ज देखी तो कहा कि ये तो मेरे ही घोड़े की लगाम है जो चोरी की गई थी, और चोर ले जाके बाजार में उसने बेचा, कितने की बेची, 2 दिरहम की। अब फितरा मौला का, मौला ने कहा कि जब मैं मस्जिद में गया था घोड़ा इसके हवाले किया था मैंने, तो मैंने उसी वक्त ये नियत की थी कि मैं वापस आके इसे इतनी देर ये खड़ा रहेगा तो 2 दिरहम दूंगा, अगर इसने हुक्म खुदा की पाबंदी की होती और खयानत न की होती तब भी इसको यही 2 दिरहम मिले होते, और अब हुक्म खुदा की मुखालफत की है तब भी यही 2 दिरहम मिले, लेकिन हुक्म खुदा की पाबंदी करके पाता तो यही 2 दिरहम हलाल बन के मिले होते, मुखालफत करके भी पाए हैं तो यही 2 दिरहम पाए हैं मगर हराम बन गए। तो मेरे अजीजों पैगंबर का वादा भी है और सीरत अली से उसका सबूत भी मिला है, दिल को मजबूत करके ये तय करो कि अल्लाह की तरफ से जो रोजी मुअय्यन है वो हमें मिलना है, अल्लाह के बताए हुए रास्तों से जाएंगे तो हलाल बन के मिलेगी और खुदा ना खास्ता छोड़ के जाएंगे तो हराम बन के मिलेगी, लिहाजा हमें हराम रोजी को अपने घरों में नहीं आने देना। ये गुजारिश, और उसके बाद इस ज्यादा वक्त में गुंजाइश नहीं है, तीसरी और आखिरी बात आज और कीमती बात अजीजों, एक चीज है रोजी में वसत पैदा करना जिसके लिए हम पूरी ताकत लगाते हैं, 2-2, 3-3 जॉब कर रहे हैं, नाइट की जॉब अलग है, डे की जॉब अलग है, अपने घंटे वहां अपने घंटे वहां, मैंने तंज कर रहा हूं ना तनकीद, हम सबको मुसल्ले रिस्क अच्छी लगती है, ज्यादा रोजी अच्छी लगती है। मजहब अभी शुरू में गुफ्तगु यही से की है कि मजहब इंसान को उस हक में देखना चाहता है, मैं समझदार जुमलों समझदार समीर के सामने जुमलों के सारे बात कह लेता हूँ, मजहब किसी को फकीर देखना नहीं चाहता, अगर फकीर देखना चाहता तो कर्ज लेने में सवाब रखता, कर्ज देने में ना रखता। मजहब हैसियत वाला देखना चाहता है, ज़कात वाजिब करता है, यानी इतनी पैदावार करो कि ज़कात वाजिब हो, सिर्फ ज़कात वाजिब नहीं करता बल्कि इतना तनाव कि हस्ब हैसियत खर्च करके बचे तभी तो खुब्स निकालोगे। खुब्स का हुक्म बता रहा है साहिब हैसियत देखना चाहता है,
زکات کا حکم بتا رہا ہے, مذہب صاحب حیثیت دیکھنا چاہتا ہے, حج کا حکم بتا رہا ہے, مذہب صاحب حیثیت دیکھنا چاہتا ہے, لیکن میرے عزیزو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس مصحف کے لیے ہم جتنی کوششیں کریں راہ حلال سے کریں, اور اس کے ساتھ ایک چیز کا اور خیال رکھیں, میرے پاس کی آج کی آخری بات اور سب سے قیمتی بات, ایک چیز ہے روزی میں مصحف کا ہونا اور ایک چیز ہے روزی میں برکت کا ہونا. مصحف رزق اور ہے اور برکت رزق اور ہے, وسعت کے ذریعے اور ہے اور برکت پیدا کرنے کے ذریعے اور ہے. میں اس فرق کو آپ کی خدمت پہ محسوس کر سکوں اس لیے میں کسی سیرت کے نمونے لے کے آیا ہوں آپ کے حوالے کرنے کے لیے کہ برکت کس کو کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وسعت ہو, وسعت کے بغیر بھی برکت ہوتی ہے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا نے قمیص خریدی, ایک شرٹ خریدی, آج کے لباس ایک پیران, ایک قمیص خریدی اور اس وقت کے لحاظ سے اچھی کوالٹی کی قیمتی قمیص خریدی, 6 درہم کی قیمتی قمیص خرید کے تحفے کے طور پر پیغمبر کی خدمت میں لے کے آئے. پیغمبر خدا جب وہ تحفہ دیا مذہب نے, احکام مذہب کی مصلحتیں اور حکمتیں قدم قدم پہ محسوس کی جا سکتی ہیں. تحفہ دینا مذہب میں ثواب کا ایک کام ہے. مولوی کو تحفہ دینا خالی نہیں, مومن کو تحفہ دینا اس نے طلب نہیں ہے. ہر وہ جو انسان کو انسان سے قریب لائے, محبتیں بڑھائے, وہ سب مذہب ان کو اپنے اندر سمیٹ کے عبادت کے خدا بنا دیتا ہے. اور تحفے کے لیے حکم دیا گیا اپنی طاقت پر بہتر سے بہتر چیز دو. قرآن مجید کے چوتھے پارے میں بالکل شروع میں پہلی آیت تم سنتے رہتے آپ, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جدھر جو تمہیں اچھا لگتا ہے, جو تمہیں پسند ہے اس میں سے خرچ کرو تب تم نیکی تک پہنچ سکو. تو بہترین تحفہ لے کے ہے مولا علی. پیغمبر کی زندگی سادی زندگی, تعلیم کی قیمتی قمیص مجھے پہننے کی کیا ضرورت ہے, اس سے کم قیمت کی قمیص بھی میرے لیے کافی ہو. اب یہاں پر اس سے پہلے کہ آپ کے کسی سوچنے والے دماغ میں الجھن پیدا ہو, جو سوال میرے دماغ میں پیدا ہوا وہ میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں. یہ بتائیے جب پیغمبر اتنی قیمتی قمیص پہننا نہیں چاہتے تھے تو پھر کیا علی کا مزاج نہیں جانتے تھے کہ یہ کیوں آئے؟ علی کو نہیں پتا تھا کہ قیمتی قمیص نہیں پہننے کے پیغمبر؟ اگر پتا تھا تو پھر کیوں لے کے آئے؟ مزاج شنا سے پیغمبر نہیں تھے مہاراج جی؟ نہیں تھے. قدم پہلے کی مزاج شناسی آپ کے سامنے ہے, میں خالی یاد دلا رہا ہوں کہ جب نجران کے عیسائیوں نے پر سے آ کے گفتگو کی ہے, موضوع یہ تھا کہ جناب عیسیٰ خدا کے بندے ہیں, خدا کے بیٹے ہیں, تو جو گفتگو کے لیے آئے تھے, جس کو گفتگو کا اختتام مباہلے پر ہوا تھا, اس پورے واقعے کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ جو عیسائی نجران کے آئے تھے, جن کا راہب بھی شامل ہے, فقیر بھی, عالم بھی, ان کا حاکم بھی سب شامل ہے, کہ جو ان کا وفد آیا تھا, ڈیلیگیٹ لے کے آئے تھے, ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے, یہ لوگ جو آئے تو اس وقت کے ماحول کے تحت سونے چاندی کے زیورات سے لد کے آئے تھے اور ریشم کے قیمتی کپڑے پہن کے آئے. پیغمبر کا اخلاق کیا ہے کہ مہمان آتا ہے تو اپنی ابا بچھا دیتے اس کے بیٹھنے, لیکن پیغمبر نے جب وہ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے پیغمبر سے گفتگو کرنا چاہی تو پیغمبر نے ان کی طرف سے رخ پھیر لیا. جدھر وہ جاتے ہیں پیغمبر ادھر سے رخ پھیر لیتے ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہے کہ پیغمبر ہم سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں, ہماری طرف سے رخ پھیر لے رہے ہیں. نکلے, ایک ایک صحابی سے پوچھنا شروع کیا. دیکھتا ہوں میں آپ کتنا متوجہ اور کتنے جاگ رہے ہیں.
एक एक सहाबी से पूछना शुरू किया, क्या बात है, ये तो खुल्क मुजस्सम है, इनका अखलाक तो मारूफ है, ये तो दुश्मन के साथ भी खुल्क अखलाकी से बात करते हैं। हम गए, हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे रुख मोड़ लेते हैं, आखिर हमसे क्या गलती हुई है, क्या करना है हमें बताओ, जाते हम लोग करके बात करें। अब जिस सहाबी के पास जाते हैं, जिस मुसलमान के पास जाते हैं, पैगंबर हमसे बात क्यों नहीं करते, पैगंबर ने हमारी तरफ से रुख क्यों मोड़ लिया। अरे कहता है पैगंबर की बात पैगंबर जाने, हम क्या जाने, पैगंबर की बात पैगंबर जाने, हम क्या जाने। आखिर घूम के फिरते मौला अली तक पहुंचे, आखिर तुम्हारा रसूल हमसे बात क्यों नहीं करता। क्या तुम ये जो सोने चांदी से लग के आए हो, ये जो इजहार अमानत करने आए हो, पैगंबर इस रौनक से मुतनफिर है, तुम सादे लिबास में जाओ तो तुमसे बात करेंगे। तो अली मिजाज शिना से पैगंबर है कि नहीं। और अब एक जुमला यही पे कहने का वक्त है कि पूरी उम्मत के दूसरे बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, सबसे जो सबके सब असहाबे नबी हैं, यही नजरानी, यही ईसाई पूछ रहे हैं, तुम्हारा पैगंबर हमारे पर हमसे बात क्यों नहीं करता, रुख क्यों मोड़ लिया। हरेक कह रहा पैगंबर की बात पैगंबर जाने, हम क्या जाने। यानी पूरी उम्मत में कोई मिजाज शिना से पैगंबर ढूंढे नहीं मिलता, सिर्फ अली मिजाज शिना से। जब हयात पैगंबर में पूरी उम्मत में कोई एक मिजाज शिना से रसूल नहीं सिवाय अली के, तो बाद वफात पैगंबर मिजाज शिना से इस्लाम कौन होगा सिवाय अली के। ये है मिजाज शिना, ये मिजाज को पहचानते हैं पैगंबर के। फिर ये कीमती तोहफा क्यों लेके आए, तो इसलिए जब पैगंबर वो कर रहे हैं जो उनका फरीजा है। अली मिजाज पहचानते हैं मगर अली वो कर रहे हैं उनका फरीजा है। पैगंबर जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं वह गुर्बत और तंगदस्ती का दौर है, लिहाजा उनकी जिंदगी सादगी की जिंदगी होगी, वो सादा लिबास पहनेंगे। और अली तोहफा लेके आ रहे हैं और हुक्म खुदा है कि तोहफा बेहतरीन ला के दिया जाए, लिहाजा अली बेहतरीन तोहफा लेके आ रहे हैं। अब इस मिजाज शिनासी के साथ हुक्म खुदा के मुताबिक कीमती तोहफा लेके आए हैं, और जब हुक्म खुदा पे अमल हुआ तो देखिए बरकतें कैसी पैदा हो रही। छह दिरहम की कमीज है, पैगंबर ने फरमाया इतनी कीमती कमीज की मुझे क्या जरूरत है, चलो इसको वापस करके मामूली कीमत का लिबास खरीद लेते हैं, बाकी बचे हुई रकम किसी और काम आ जाएगी। उसी दुकान में वापस आए, छह दिरहम की वो कमीज वापस कर दी। वाकई फैलाओ में दमामों से बात में निकल जाए कि मैं आखिरी बात भी कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, रोजी में वसअत होना और है और रोजी में बरकत होना और है। छह दिरहम की कमीज वापस करके दो दिरहम की कमीज से शर्ट एक लिबास खरीदा, एक पहनाम खरीदा, चार दिरहम हाथ में लेके और लिबास हाथ में लेके चले। थोड़ी दूर चले थे कि इंसान दिखाई दिया जिसके बदन के लिबास नहीं। फौरन पैगंबर ने वो अपने वो लिबास उस बेलिबास को दे दिया। अब इनके पास क्या बचा, चार दिरहम। फिर दुकान पे वापस आया, फिर दो दिरहम की और कमीज खरीद ली। कमीज खरीद के लिबास के लिए साथ में दो दिरहम है। थोड़ा रास्ता तय किया है कि रास्ते पर धूप में गर्मी में एक खातून बैठी दिखाई थी जिसके लिबास से अंदाजा हुआ कि यह कनीज है, मालिका नहीं है कनीज है, खादिमा है कनीज है। और वो परेशान थी, रो रही थी। अकबर और मौला अली नजदीक आएगा, क्या बात। उसने कहा कि मैं घर से निकली थी, मेरी मालिका ने मुझे दो दिरहम दे के भेजा था खजूरें खरीदने के लिए, तो वो दो दिरहम उससे कहीं रास्ते में गिर गए और मैं बड़ी देर से ढूंढ रही हूं, मेरे मालिक ने मुझे भेजा था, मालिका नहीं मालिक, मेरे मालिक ने मुझे खजूरें खरीदने के लिए भेजा था, बड़ी देर से हो गया दिरहम, मैं बड़ी देर से ढूंढ रही हूं, वो दिरहम मुझे नहीं मिलते। अब नहीं मिलेंगे, मैं यूं वापस जाऊंगी तो मुझे मेरा मालिक हो सकता है सजा दे, मैं इसलिए परेशान हूं। पैगंबर के हाथ में दो दिरहम, वो दोनों दिरहम पैगंबर निकाले, जा और जाके जो मालिक ने मुझसे कहा वो अंजाम दे। उसको दो दिरहम मिल गए, उसने कहा ठीक है पैगंबर खुदा, लेकिन अभी एक परेशानी बाकी रह गई। कहा वो क्या, कहा मुझे घर से निकले हो गई देर, दिरहम तो मुझे मिल गए, दिरहम खोने की सजा तो मुझे नहीं मिलेगी,
लेकिन इतनी देर में वापस जाती तो मुझे देर से घर वापस आने की सजा मिल सकती है, ज्यादा जहां आपने इतना कर्म किया है एक कर्म और करें, एक कर्म और करने वक्त क्या आप मेरे साथ मेरे घर पे तस्वीर चिंतन और मेरे मालिक से मेरी सिफारिश कर दे कि देर कर आने की सजा मुझे न दे। पैगंबर ने कहा चलो मौला अली साथ साथ है, पैगंबर और मौला अली साथ साथ उस तनीज के साथ चले। उस तनीज के मालिक के घर पे पहुंचे, जंजीर दर बजाई, मालिक निकला, देखा कौन है, पैगंबर हमारे दरवाजे पर, अली मौला हमारे दरवाजे पर। अब आप सोचिए अगर कोई शख्सियत जिससे हमें थोड़ी सी भी मोहब्बत हो, थोड़ा सा एहतराम हो, उसके इल्म, उसके अमल, उसके अखलाक, उसके किरदार, उसकी किसी खूबी से, और वो बगैर इत्तला के हमारे दरवाजे पे आ जाए तो हम क्या कहते हैं, हमारे नसीब, हमारे नसीब। पैगंबर दरवाजे पे आ गए, पहले से कोई तवक्को नहीं, रहमत इलाही रहमतुल आलमीन दरवाजे पे, क्या सरकार आपने कैसे रहमत की, क्या मैं इसलिए आया हूं कि तू तेरी कनीज को तेरे घर काम से भेजा, तूने आने में देर हुई है, इस देर की वजह से इस कनीज को कोई सजा न देना। उसने कहा सरकार सजा का क्या सवाल, आप इसकी वजह से मेरे दरवाजे पे आए, मुझे ये शर्म में मेरा नसीब जागा, सजा का क्या सवाल है, मैंने ये कनीज आपको हदिया कर दी, आपको दे दी इस खुशी में कि आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, सजा देना दूर, मैंने ये कनीज आपको हदिया कर दी। पैगंबर ने कहा ये हदिया मैंने कबूल किया और मैंने इस कनीज खुदा को राह खुदा में आजाद कर दिया, इस कनीज खुदा को राह खुदा में आजाद कर दिया। उसके बाद पैगंबर मुड़े अली की तरफ, कहा अली तुमने देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे इन चंद निर्हनों में कितनी बरकत दी, एक बेलिबास को लिबास मिला, एक परेशान हाल की परेशानी दूर हुई और एक कनीज खुदा को आजादी मिली। तो मेरे अजीजों मैंने ये वाकया सिर्फ इसलिए सुनाया ताकि हम ये महसूस कर सके रोजी की वसत और है, रोजी में बरकत और है, रोजी की बरकतें रिजायत परवरदिगार को सामने रख के जिंदगी बसर की जाए और हुकूक खुदा को अदा किया जाए तो थोड़ी सी जिंदगी में थोड़ी सी रोजी भी वसूल बरकत का दरिया बन जाती है। पाबंदी दीन के साथ जिंदगी बसर करने की कोशिश करते रहिए, रोजी में बरकतें परवरदिगार की तरफ से मिलती है। एक सलावत भी दिल के भेजे मोहम्मद वाले, बहुत सब किया है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो बातें मेरी जिंदगी में कोई असर डाल सकती है मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों की खिदमत में उसको मुंतकिल करने की कोशिश करूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हिदायत और उनके तालीमात की रोशनी में जिंदगी बसर करने के लिए सलीका हयात को उनसे सीखना होगा, रोजी में बरकत पैदा करना है तो हमें भरोसा करना होगा इलाही वालों पर। हमारे जिम्मे जो हुकूक अल्लाह ने रखे हैं उन हुकूक को, चाहे वो हमारे फैमिली के हुकूक हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों के हुकूक हो, चाहे वो हमारे हाल में गुरबा और फुकरा के हुकूक हो, मालिक साफ लफ्जों में वादा करता है वमा अनफक्तु मिन खैर फहुवा युक्लिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। तुम जब अपने माल में से अल्लाह के बताए हुए अच्छे कामों के लिए खर्च करोगे तो तुम यकीन रखो कि ये कम होने वाला नहीं है। परवरदिगार कुरान में वादा करता हूं हुआ युफलिहु, अल्लाह तुम जो भी निकालोगे उसका बेहतर उससे ज्यादा तुम्हें अदा करेगा। हुआ खैरुर राज़िकीन, और तुम्हें अल्लाह की बात पे भरोसा होना चाहिए, बिन मांगे जो इतना दे रहा है, रोजी देने वालों में उससे बेहतर रोजी देने वाला कोई नहीं जो बिन मांगे इतना दे रहा है, जब वो वापस करने का वादा कर रहा है तो फिर उस वादे पे तुम्हें भरोसा होना चाहिए, और जिनको उस वादे पे भरोसा होता है वो राह खुदा में कुछ भी देने में कभी कोई कमी नहीं करते, कोई कोताही नहीं करते, उन्हें यकीन होता है इससे बेहतर अजर हमें मिलने वाला है, इससे ज्यादा हमें मिलने वाला है। करबला में देखिए इंसान क्या लेके आता है, अपनी एक जान लेके आता है, दुनिया में आके साहिब माल बनता है, आबरू और इज्जत वाला बनता है, साहिब औलाद बनता है। करबला वालों ने जो कुछ मालिक से पाया था
सब राय खुदा में कुर्बान करने में कोई झिझक तुमने नहीं दी। जान इस तरह से दी कि सूखे गले में जब खंजर चल रहा था तब भी लबों पर सिर खड़ा था। माल की कुर्बानी इस तरह से दी कि सर कटे ही नहीं बल्कि बहनों और बेटियों के सरों से रिदाएं छिप गईं। औलाद की कुर्बानी इस तरह से दी कि जो खुद से अपने पैरों पर चल के महफिल में जाने के लायक नहीं थे उन्हें गोद में लेकर मैदान कारबला तक पहुंचाया। और वकार और इज्जत की कुर्बानी इस तरह से दी कि जिन बीवियों के साए पर भी नामहरमों की निगाह न पड़ी हो उन्हें नंगे सर कूफा और शाम के बाजारों में जाना गवारा करना पड़ा। ये कुर्बानियों की अजीम दरगाह कसरा है जहाँ मालिक की इताअत से आगे किसी चीज का पसंद नहीं है। मेरे अजीजों मैं आपको याद दिलाऊं करबला में वो भी थे जिनकी पूरी जिंदगी इस्लाम के साथ गुजरी थी और करबला में वो भी थे जो चंद लम्हों पहले उन्होंने इस दुनिया में इस्लामी दुनिया में कदम रखा था। दोनों नमूने चंद मुसीबतों के लिए चंद आंसुओं के लिए आपके सामने दो रहा हूँ। जनाब बहादुरुल्लाह करबला के उस किरदार का नाम है जो आशूर से पहले इस्लाम पर नहीं है ईमान पर नहीं है हुसैन के साथ है मगर अहले किताब है ईसाई है पैगंबर खुदा को पहचानते और मानते नहीं है मगर हुसैन का काफिले के साथ चलते चलते मार्फत पैदा होती जा रही है और आखिर में वक्त आ गया जब हुसैन ने अपनी मदद के लिए बुलाया तो इस काफिले में भी शामिल हुए काफिले ईमान में भी शामिल हुए। चंद दिन से शादी के गुजरे हैं दुल्हन को लेकर साथ जा रहे हैं माँ भी हम सफर है मगर जब करबला के मैदान में काजार गर्व हुआ तो जिहाद के मैदान में आने के लिए बेचैन लोगों में आगे आगे वहब है वहब इजाजत मिल चुकी है हुसैन से निकलने की तैयारी कर रहे हैं माँ भेज रही है वापस ना आना जिंदा वापस ना आना और वहब ने वही हक अदा भी किया है मगर जब वहब निकलने लगे तो एक मरतबा सौजा ने दामन थाम लिया और तुम जा रहे हो तुम जाओ तुम सर कटा के जन्नत में दाखिल हो जाओगे मगर मुझसे मेरे जाने से पहले मुझसे एक वादा करो और मेरे ऊपर एक एहसान करो वो क्या है ऐसे नहीं बताऊंगी मुझे आका के पास ले चलो हुसैन की जिम्मत में ले चलो वहां अपनी जौजा को लेके आए मैं मैदान में जा रहा हूँ तो मुझे जाने नहीं देती कहती है एक वादा करो और एक एहसान करो और कह रही है कि आपके सामने गुफ्तगू करेगी वहब की जोजा की तरफ मुझे हुसैन क्या चाहती है मौलाना उसने कहा ये जाए जाके लड़े सर कटाए ये सर कटा के जन्नत में चले जाएंगे जिहाद करके जन्नत में चले जाएंगे मगर मैं जिहाद नहीं कर सकती मैं औरत हूँ मैं मैदान जंग में नहीं जा सकती मैं अपना सर नहीं कटा सकती मैं कैसे यकीन करूँ कि ये जन्नत में जाएंगे तो मुझे भी जन्नत जाना नसीब होगा वहब वादा करें और आप जमानत ले आए मेरे मौला कि अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे मुझे जन्नत में लेके जाएंगे। हुसैन ने कहा मैं वादा करता हूँ मैं जमानत लेता हूँ कि वहब अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे तुम्हें साथ लेके जाएंगे। और दूसरा कौन सी फरमाइश दूर करना चाहती है और दूसरा एहसान आप लोगों का करते मौला तब वो क्या है तब वो एहसान ये है कि मेरे मौला वहब जा रहे हैं ये सर कटा के सो जाएंगे मेरे खेमे में कोई बड़ा सरपरस्त रह जाएगा इनकी शहादत के बाद हो सकता है लश्कर यजीद कभी हमला करें तो कैसे उनसे अपने आप को बचा सकूंगी लिहाजा मेरे मौला आप करम करें मुझे अपने अहले हरम के खेमों में जाने की मदद दे दें जहाँ आपकी बहन है जहाँ आपकी बेटी है ताकि वहां मेरी हिफाजत हो सके। हुसैन जानते हैं कि शहादत के बाद हुसैन का सर कटने के बाद खैमे जलेंगे सरों से चादरें छिनेंगी मगर हुसैन कैसे कह दे अरे जहाँ तू पना लेना चाहती है वहां तो हमारी बहनों के सरों से रिदाएं भी छिनेंगी उसमें तादियाने भी मारे जाएंगे खैमे में जाके पना ले ले उसे तो इत्मीनान हो गया मगर हुसैन के दिल पे क्या बीती होगी सोचो अतीतो वहां मैदान में आए जंग लड़ी शहादत की राह पर चले सरों तन में जुदाई हुई माँ दरवाजे पे खैमे के दर पे खड़ी मंदिर को देख रही थी सालिमों ने वहां के सर काटने पे कृपा नहीं की सिर्फ बल्कि सर काट के एक मरतबा जमीन पे फेंक के माँ की तरफ ढकेल दिया जमीन पे लुढ़कता हुआ सर
माँ तक पहुंचा, उठाया, चेहरे से मुंह को पोछा, लबों को बोसा दिया, पेशानी को छुपा और दोबारा सर को अरे यजीद के लश्कर की तरफ रवाना कर दिया। हम जो कुछ रहा है खुदा में दे देते हैं, वापस नहीं लेते। ये था एक बाप का जज्बा। अब सुनो, एक बाप का जज्बा सुनो। करबला के मैदान में जंग शुरू हो गई, तीरों की बारिश हुई, उसमें हुसैन का एक बुरा सहाबी मुस्लिम इब्ने औसजा, जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है, जिनकी कमर झुकी हुई है, जिनकी पेशानी की खाल लटक के आंखों पे आ गई है, जंग की तैयारी में कमर में पट्टा बांधा है, पेशानी की खाल को लपेट के पेशानी पे समेट के बांधा है ताकि आंखों से दिखाई दे सके, जख्मों से चूर हो चुके हैं, मगर बदन में अभी थोड़ी ताकत बाकी है। हुसैन से मैदान में जंग में जाने की इजाजत थी, मैदान में आए, जंग की लड़े, जख्मी होकर गिरे, अब हाथों में ताकत नहीं, मदद के लिए पुकारा। हुसैन सराहने पहुंचे, साथ साथ हबीब इब्ने मुजाहिद के साथ आ गए, मुस्लिम के बचपन के दोस्त और साथी हैं, हुसैन के दोस्त थे, आ गए। हुसैन ने मुस्लिम का सर उठा के आगोश में रखा, चेहरे पे हाथों को मलना शुरू किया, हबीब पहलू में बैठ गए, मुस्लिम आंखें खोलो, देखो तुम्हें कौन सी मेराज इस जिंदगी में मिल गई, तुम्हारा सर आगोश नवासे रसूल में है। मुस्लिम ने आंखें खोली, हबीब पहलू में बैठे हैं, कहा मुस्लिम तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मैं भी चल लम्हों के बाद तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मगर अगर तुम्हारे दिल में कोई तमन्ना है, तुम्हारा एक तमसी बच्चा खेमे में है, तुम्हारी एक सौजा खेमे में है, अगर कोई तमन्ना है तो तुम उससे वसीयत कर दो, जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुम्हारी वसीयत पे अमल करूंगा। मुस्लिम ने आंखें खोली, न बच्चे के लिए कोई वसीयत की, न बीवी के लिए कोई वसीयत की, कांपती हुई उंगली उठाई, तरसते हुए लबों से जो जुमले कहे उनका मतलब ये था, जब तक मैं जिंदा रहा अपने मौला हुसैन के जिस्म पे कोई जख्म न लगने दिया, हबीब जब तक जीना हुसैन को जख्मी ना होने देना। तड़प के मुस्लिम ने दम तोड़ा, बूढ़े साथी के जनाजा लेके हुसैन खेमों के दरमियान आ गए, आगोश में रखे बैठे थे कि देखा है खेमे का पर्दा हटा, एक कमसिन बच्चा खेमे से निकला, छोटा से बच्चा है, इतना छोटा है कि उसके कमर में एक तलवार बनी है, तलवार बड़ी है बच्चा छोटा है, तलवार जमीन पे खींच रही है, बच्चा मक्तल की तरफ जा रहा है। हुसैन समझ गए, कहा मेरे दोस्तों जल्दी से जाओ, बच्चे को रोको, अगर मक्तल में चले गए तो ये जालिम इस पे रहम न खाएंगे। अंसारे हुसैन दौड़ के आए, बच्चे को रोका, कैसे रोका लारो, जरा सोच के बताओ, अरे बताओ, अरे क्या तमाचे मार के रोकेंगे, क्या ताजाने लगा के रोकेंगे, मैं कहूंगा अंसारे हुसैन आओ, करबला में शहादत हुसैनी के बाद हुसैन के कमी से बच्ची जबकि मैं हुसैना शकीन हुसैन सकीना खेमों से निकली है, अरे कोई तमाचे मार रहा है, कोई ताजाने लगा रहा है। बच्चे को लेके हुसैन के पास आए, अंसार बच्चा आ गया, हुसैन ने कहा बेटा तुम कौन हो, काका जिस सहाबी की लाश आप सामने है, जिस मुस्लिम का सर आपके आगोश में है तो उसका बेटा हूँ, का बेटा इरादा क्या है, का आप मरहूम है, बाबा ने आपकी मदद के लिए जान दे दी, अब आपकी मदद के लिए मैं मक्तल में जा रहा हूँ, आपकी तन्हाई मुझसे देखी नहीं जाती। हुसैन ने कहा बेटा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरी माँ ज़हीर माँ खैमे में है, चला जा तू उसके दिल की धारस बन जा, तुझे मक्तल में जाने की जरूरत नहीं। बच्चे ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, आपा जिस अम्मा के लिए आप मुझे भेज रहे हैं उसी अम्मा ने तो मुझे तैयार करके मक्तल की तरफ भेजा है। हुसैन इसरार कर रहे हैं वापस चला जा, एक मतबा खैमे का पर्दा फिर हटा, एक खातून सर पे चादर डाले निकली, आवाज दी हुसैन मेरे मजलूम आका मुस्लिम मर्द के लड़के शहीद हो गए, मैं औरत हूँ मैदान जंग में नहीं जा सकती, मेरी इस नन्ही से कुर्बानी को आप कबूल कर ले। हाय मजलूमियत हुसैन, हुसैन क्या करे, कैसे वक्तन में इस नन्ही से नाम اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم.
जमाने में जुल्म सदम का बाजार है मामूल के जालिमों को वापस टकरा के इसे मामूल कर दे जमाने को बाकी हमारे लाहा हजारत मुकद्दसा की जियारत का शरफ अपने घर की जियारत के शरफ के साथ साथ लिया फरमा तबाद के आलिया से दुश्मान है दीन और आदाय आलम मुहम्मद इनकी तौहीन करना चाहते हैं मामूल तबाद के आलिया को दुश्मान है दीन से महफूज हमारे लाहा समाने में सुल्म व सितम की हुकूमतों को खत्म करके इंसाफ को कायम करने वाले हमारे जमाने के आका को इसने जरूर अता फरमाया इससे बेहतर जिंदगी के बारे जरूर हम दे सकें और उनके नासरों में शामिल हो सकें माता बहनों